तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा बाथरूम है, वो भी हमारा बाथरूम है, बट वो यूजलेस है, ये भी यूजलेस है, ये तो थोड़ा मतलब हम लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट वो एकदम ही यूजलेस है क्योंकि पानी नहीं है वहाँ पे, कोई गर्ल्स वहाँ पे जाना मतलब पसंद नहीं करती हैं, और ये इतनी बदबू मतलब यहाँ पे आ रही है, स्मेल कितनी गंदी आ रही है कि मुझे मास्क की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे मतलब पानी की वजह से इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पे देन अगर सोचिए कि थोड़ा ब्रेक लेके, स्टडी से ब्रेक लेके अगर थोड़ा आए यहाँ पे बाहर घूमने, तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदी स्मेल है, इतना मतलब कि ये होता है ना कि इंटरवल के बाद, लंच के बाद अगर हम लोग आते हैं थोड़ा खेलने के लिए, तो यहाँ पे खेलने के लिए फील्ड बहुत बड़ा है, बट इतनी स्मेल आती है कि कोई खेलना भी नहीं चाहता है, एक जगह सब रहते हैं, इतनी गंदी स्थिति हम लोग के विद्यालय की है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक विद्यालय में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग साफ व स्वच्छ शौचालय और पीने के लिए साफ व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के चोलापुर राजकीय कन्या विद्यालय में पिछले 2 सालों से 3 हैंडपंप खराब होने के कारण यहाँ पढ़ने वाली प्रतीक्षा सहित 600 छात्राओं को पेयजल की व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। हैंडपंप खराब होने के कारण यहाँ की बच्चियाँ शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रही हैं क्योंकि शौचालय में गंदगी रहती है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पानी की समस्या है और उसके बाद बाथरूम की, आई थिंक पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की जिसकी वजह से हम लोग को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर गर्ल्स प्रॉब्लम भी होती है, पीरियड्स में भी हम लोगों को बहुत सी समस्या होती है, बाथरूम हम लोग के साफ़ नहीं रहते हैं, बाथरूम महकते हैं, स्मेल करते हैं, उसके बाद फिर पानी की वजह से क्योंकि पानी रहता ही नहीं है तो साफ़ नहीं हो पाता है, तो ये सब समस्या हम लोग को देखनी पड़ती है, बहुत मुश्किल भी होता है हम लोगों को। पहले में तो बाथरूम जाने दो समस्या रहता है क्योंकि बाथरूम मांगता है, बाथरूम घर से आते हैं तो घर ही फिर जाते हैं, स्कूल में जाते ही नहीं है क्योंकि बाथरूम जो कि मांगता भी है पानी की वजह से, और क्या कि पानी पीते भी नहीं, फिर घर से आते हैं पानी पी, गंदा पानी रहता है और बालू भी रहता है, इसलिए सब नहीं, पानी की दिक्कत है मैम। उसके बाद सबसे ज़्यादा तो महावारी, इसमें पीरियड्स में मैम सबसे ज़्यादा होती है प्रॉब्लम्स, अगर हम बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, ब्लड गिर रहा है, पानी जब है ही नहीं, तो फिर दूसरी गर्ल्स के लिए भी प्रॉब्लम होगा और अपने लिए भी शेमलेस होगा कि कैसे जाएं बाथरूम में। सबसे ज़्यादा मतलब पानी की ही समस्या हम लोग के स्कूल में है कि जल्द से जल्द पानी का व्यवस्था किया जाए, बाथरूम सही किया जाए, जिससे पहले ये 2 प्रॉब्लम्स हम लोग की सबसे ज़्यादा हैं। फिलहाल में पानी की समस्या है, जो पानी की सप्लाई है वो समर सेवल खराब होने की वजह से शौचालयों तक नहीं जा पाई है। ये समस्या हमारी समस्या 2-4 महीने पहले की होगी, और मैडम ने जो यहाँ पे थी वो वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो ठीक नहीं हो पाया। लगभग 600 छात्राएं हैं और हैंड पाइप है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा वहाँ गंदा पानी आता है तो इसलिए बच्चों को मना कर दिया गया, लेकिन पानी बाल्टी के माध्यम से रखवाया जाता है ताकि बच्चे उसका उपयोग कर सकें, लेकिन अभी प्रधान से हम लोगों ने डस्टबिन का भी मांग की है कि ताकि जो गंदगी है बच्चे इधर उधर जो करते हैं उससे निजात मिल सके। मैंने इस समस्या पर एक वीडियो बनाई और वीडियो को बनाने के बाद चोलापुर के ग्राम सरपंच एवं एडीओ पंचायत साहब से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हैंडपंप का रिपोर्ट करा कर उसे ठीक करा देंगे। 3 हैंडपंप है जो इस समय देखने में तीनों खराब हैं, और मैं कल से इनका मतलब कल दिखा कर जो सामान खराबी होगी उसको ठीक कराएंगे, जो रिबोर रहा है रिबोर करेंगे। पानी तो मूल चीज़ है विद्यालय या बच्चों के लिए, जब पानी नहीं रहेगा तो विद्यालय में शौचालय भी साफ नहीं रह सकता, और जो पेड़ पौधे छोटे मोटे हैं उनको पानी देना है तो नहीं रह सकते, तो वो तो मूल है, उसको तो होना है और उसको कराया जाएगा। आज प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया था, पानी की हमारी समस्या है, बच्चियों को दिक्कत हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बस मैं निरीक्षण के लिए आया था, और कोशिश रहेगी कल से काम यहाँ पानी का शुरू हो जाए, रिबोर योग्य है तो रिबोर कराया जाएगा। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करती हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं शबनम, जनपद वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनहट के लिए।